Hello students, today I am going to discuss the third part of the fourth part of chapter 4 class 7 history. Okay. Today we are going to discuss about the fourth part of chapter 4. The name of this chapter is the Mughal Empire. Okay? So, the Mughal Empire. So, in this chapter, what we have learned till now, let us recall that. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी तक हमने इसके पहले वाले parts में क्या-क्या पढ़ा है, ठीक है? So, सबसे पहले इस पार्ट में इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि who were Mughals, ठीक है, Mughals कौन थे, इसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, ठीक है, कि ये मंगोलिया से बिलोंग करते थे और इन्होंने अपने राज्य पे आक्रमण किया सबसे पहले फरहाना में, उसके बाद वो इंडिया में आए, ठीक है, वो जंगी स्थान के वंश थे अपनी मदर की तरफ से और पिताजी तरफ से तैमूर के वंश थे, ठीक है। सेकंड चीज जो मैंने ये पढ़ाई थी, रूलर रूल ऑफ मुगल, ठीक है, रूल्स ऑफ मुगल्स, रूलिंग ऑफ मुगल्स, सर, रूलिंग ऑफ मुगल्स यानी कि जो मुगल राजा थे वो कैसे राज्य किया करते थे, उनके राज करने की क्या टेक्निक थी और कैसे राज करते थे, बिकॉज़ दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड इन द अर्लियर पार्ट्स। द थर्ड थिंग वाज मिलिट्री कैंपेन्स वाज आल्सो डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियोस। ओके, आफ्टर मिलिट्री कैंपेन्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मिलिट्री कैंपेन्स थे जो मुगल रूलर्स ने चलाए थे, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट बाबर, इफ वी टॉक अबाउट हुमायूं, देन आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट अकबर, सो ऑल द रूलर्स ऑफ मुगल्स वर बेसिकली द गुड मिलिट्री कमांडर्स और दे हैड वेरी गुड मिलिट्री कैंपेन्स इन इंडिया ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट। ओके, सो मिलिट्री कैंपेन में क्या था कि जितने भी मुगल राजा थे उन्होंने हर दिशा में जो राज्य थे उन पे आक्रमण किए और हर जगह मिलिट्री कैंपेन चलाए, ठीक है, स्पेशली अकबर, ठीक है। फोर्थ चीजें जो मैंने बताई थी, सक्सेसर्स ऑफ मुगल्स, ठीक है, मुगलों के आने वाली पीढ़ी कौन थी, उनके सक्सेसर्स कौन से, ठीक है, ये मैंने बताया, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था, ठीक है, द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वाज बाबर, ठीक है, बाबर ने भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना की थी, ठीक है, उसके बाद उनके सक्सेसर्स ने कैसे उसे आगे बढ़ाया, ठीक है, कैसे बाबर के राज्य को चलाया, ठीक है, उसका डिस्कशन हमने किया था, ठीक है। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट बाबर, ठीक है, आफ्टर बाबर वी डिस्कस अबाउट हिज सन हुमायूं, ठीक है, आफ्टर हुमायूं वी डिस्कस अबाउट हुमायूं सन, हिज नेम वाज अकबर, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन रूलर और द एरा ऑफ अकबर्स रूल इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल रूलिंग। ओके, व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल रूलिंग, बिकॉज अकबर वॉज अ वेरी गुड बिजनेस माइंडेड मैन, मतलब कि उसने भारत देश का विस्तार भी किया, अपने किंगडम का विस्तार भी किया, ठीक है, साथ साथ में ही उसने भारत देश को एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेंटर बनाने के लिए अपने सारे कोशिश किए, ठीक है, ही स्टार्टेड टू मेक इंडिया अ वेरी गुड कैपिटल ऑफ बिजनेस, ठीक है, ही स्टार्टेड मेकिंग मार्केट्स, he allowed all the traders from all over the world to come and trade in India, मतलब कि भारत में बहुत सारे देशों से जो traders आते थे, merchants आते थे, उनको
अकबर ने अलाउ कर दिया, ठीक है। He also led three basic military campaigns in his ruling life. अकबर ने अपने राज्य में अपने रूलिंग करते टाइम अपने रीन में तीन बेसिक मिलिट्री कैंपेन्स को अंजाम दिया था, ठीक है। वो मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट हुए थे पहले 1556 से 1570 तक, ठीक है। दूसरा था 1570 से 1585 तक, और तीसरा था 1585 से 1605 तक, ठीक है। ये चीजें हमने अकबर के बारे में पढ़ी थी, दैट ही वाज वेरी ambitious and he led three military campaigns in India in all directions, ठीक है। जितने भी neighboring states थे, जितने neighboring kingdoms थे, उनपे अकबर ने military campaigns चलाए, as well as he also captured some Mongolian territories in these campaigns and Afghanian territories were also captured in this military campaigns, like Kabul was seized, okay. So this was the working that was happening in Akbar's rule, okay. Iske baad, after Akbar, the new Mughal king that we had studied about is Jahangir, theek hai. Jahangir, he was son of Akbar and his name was Jahangir, also known as Prince Salim, theek hai. Jahangir was the next ruler. We also studied about Jahangir that Jahangir followed the ruling path or the ruling model of Akbar. He also led the military campaign that was started by Akbar. Akbar ke start kiye hue military campaigns ko Jahangir ne continue kiya, theek hai. And he also started to make India, make Delhi Sultanate a very good trading hub. Okay. After Jahangir, we had studied about Jahangir ke baad humne padha tha मुगल एम्परर शाहजहां के बारे में, ठीक है। कि शाहजहां ने अपने रूल में अपने रीन में क्या क्या किया, ठीक है। शाहरुख शाह जहां जरूर, ठीक है। He also defeated some of the Afghans, okay, and he also established his kingdom towards all the direction, ठीक है। हर direction किसने किसने किंगडम को बढ़ाने की कोशिश की, बढ़ाया, ठीक है। After it, ठीक है, हमें शाहजहां से आगे बढ़ना, ठीक है। We have to discuss the successor of शाहजहां, ठीक है। So जब शाहजहां के राज्य के आखिरी दिन चल रहे थे, ठीक है, when शाहजहां was in the last years of his rule, ठीक है, he, his son Aurangzeb and his all the sons, ठीक है, Aurangzeb और उसके और सारे भाई जो थे, जो शाहजहां के सारे बच्चे थे, उनमें झगड़ा हुआ कि शाहजहां का सक्सेसर कौन बनेगा, ठीक है। शाहजहां के बाद जो मुगलिया सल्तनत है, मुगलिया सल्तनत में उसका राजा कौन बनेगा, ठीक है। Who will be the next king after शाहजहां? So when we talk about Aurangzeb, he was very victorious, ambitious. So he killed all the three brothers of him, ठीक है। शाहजहां के बाकी तीन बच्चों को उसने मार दिया, including दारा सुको. दारा सुको was one of the brothers of Aurangzeb. और वन ऑफ द सन्स ऑफ शाहजहां, ठीक है। सो शाहजहां के चार बच्चों में से तीन की हत्या औरंगजेब ने कर दी, ठीक है। उसके बाद शाहजहां को आगरा में अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए जेल में डाल दिया, ठीक है। ही वाज इम्प्रिजन्ड फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा, ठीक है। आगरा में इसे बंदी बना लिया गया। इसके बाद After he was imprisoned in Agra, after Shahjahan was imprisoned in Agra, मतलब कि शाहजहां को जेल में डाल दिया गया कहां, आगरा में, ठीक है। Imprisoned in Agra, Aurangzeb became the next Mughal ruler of Delhi, the new Mughal ruler of Delhi, दिल्ली का अगला सुल्तान बना औरंगजेब after शाहजहां, ठीक है। So शाहजहां के बारे में हमने ये पढ़ा था कि he was also very fond of
buildings, ठीक है? He made many monuments, many buildings in his ruling life. अपने राज्य में जब ये राजा था, जब ये सुल्तान था, जब देखा तो इसने बहुत सारे monuments, बहुत सारे buildings बनवाए, ठीक है? He made ताजमहल, ठीक है? Many mosques, ठीक है? ये सारी चीजें इन्हें बनवाई थी. After शाहजहां, ठीक है? Aurangzeb was also fond of buildings. He made many of the mosques, like Jama Masjid, Moti Masjid was made by Aurangzeb, ठीक है? So Aurangzeb ने फिर अपने राज्य में क्या किया, ठीक है? इसके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है? So when we talk about North East, when Aurangzeb became the king, so talking about North East, ठीक है? In the North East the Ahoms were defeated, ठीक है? उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उसमें अहोम राजाओं का राज थे, ठीक है? सो नाउ औरंगजेब, ओके, औरंगजेब फ्रॉम 1658 टू 1657 तक औरंगजेब ने दिल्ली की सुल्तनत पे राज्य किया था, ठीक है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट हिज फर्स्ट अचीवमेंट, सो इन 1663 फर्स्ट बैटल वॉज लेड अगेंस्ट अहोम्स इन द नॉर्थ ईस्ट, ओके? So, in 1663, सबसे पहले उसने अपने पहले युद्ध का जो आरंभ किया था वो होम राजाओं के खिलाफ किया था, जो कि उस समय नॉर्थ ईस्ट किंगडम्स के राजा हुआ करते थे, ठीक है? 1663 ही स्टार्टेड मिलिट्री कैंपेन्स campaigns against Ahoms of North East. North East के अहोम राजाओं के खिलाफ 1663 में औरंगजेब ने अपने पहले युद्ध का आरंभ किया, ठीक है? And they were defeated in 1663 when the first military campaign was launched against Ahoms of North East. Then the Ahom rulers of North East were defeated. But after getting defeated by Aurangzeb in 1663, they rebelled again in 1618. 1680 में औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने फिर से विद्रोह किया या आक्रमण कर दिया, ठीक है? पहले 1663 में औरंगजेब ने अहोम राजाओं के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है? उनको हरा दिया। बाद में इन 1683 अहोम्स रिबेल्ड अहोम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, ठीक है? औरंगजेब के खिलाफ 1680 में फिर से आक्रमण किया, ठीक है? After the rebellion of Ahoms, the campaigns were launched in after the rebellion of Ahoms of North East, ठीक है? So 1660 सबसे पहले औरंगजेब ने अहोम राजाओं पे आक्रमण किया, उनको हराया, but हारने के बाद अहोम राजाओं ने फिर से विद्रोह युद्ध किया औरंगजेब के खिलाफ, but when we talk about अहोम राजाओं के बाद, ठीक है? वो 1680 में फिर से हार का सामना किया उन्होंने, और फिर वो उनका राज्य खत्म हो गया, ठीक है? They were defeated badly and they went to their own territories, ठीक? इसके बाद when we talk about North West, ठीक है? North West में क्या हुआ, ठीक है? So North West जो region था इंडिया का, या फिर इंडिया सब कॉन्टिनेंट का जो North West एरिया थे, किंगडम थे, ठीक है?
उस टाइम पे यूसुफजई और सिख वॉरियर्स का इलाका था, मतलब कि उस टाइम पे उस किंगडम में सिख रूलर्स का राज्य था और यूसुफजई रूलर्स का राज्य, ठीक है। सो इन नॉर्थ वेस्ट ही लॉन्च्ड हिज नेक्स्ट मिलिट्री कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन ही लॉन्च हिज नेक्स्ट मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट यूसुफजई एंड सिख रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट किंगडम्स थे इंडिया के, सबसे पहला पंजाब, दैट इज इन नॉर्थ इंडिया, ओके। सो पंजाब इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ वेस्ट, औरंगजेब लॉन्च्ड हिज नेक्स्ट मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द सिख एंड यूसुफजई रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट के सिख और यूसुफजईयों पे इन्होंने राज किया, ठीक है, एंड दे वर डिफीटेड, ठीक है, एंड दे वर डिफीटेड। सो सिख राजाओं में उस समय महाराजा रणजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ सिख रेजिमेंट, ओके। और पंजाब का जो किंगडम था, द किंगडम ऑफ पंजाब वाज रूल्ड बाय महाराजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब, सॉरी। सो औरंगजेब डिफीटेड महाराजा रणजीत सिंह एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 97, ठीक है, 97 इयर्स ऑफ एज पे महाराजा रणजीत सिंह ने अपना लाइफ खत्म किया, ठीक है। एंड आफ्टर दिस मिलिट्री कैंपेन औरंगजेब बिकेम द रूलर ऑफ दिस किंगडम्स, नॉर्थ वेस्ट जितने भी किंगडम्स थे वो मुगल कंट्रोल के अंदर में आ गए आफ्टर दिस मिलिट्री कैंपेन, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन जब लॉन्च हुआ तो उस टाइम पे दे हैड अ वेरी बैड रिवल हुआ, मतलब कि जो औरंगजेब था औरंगजेब के खिलाफ सिखों ने रिवेलियन वॉर छेड़ दिया था, बट उसके बावजूद दे स्टार्टेड टू डिफीट देम, ठीक है। आफ्टर द रिबेलियन ऑफ दीज रूलर्स यूसुफजई एंड सिख रूलर्स, द मुगल रूलर्स अटैक ट्वाइस एंड थ्राइस ऑन देयर किंगडम एंड दे गेट गॉट द कंट्रोल ऑन देयर किंगडम, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट के जो किंगडम थे उन पे अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। आफ्टर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में अपने मिलिट्री कैंपेन्स को लॉन्च करने के बाद, ठीक है, उसने क्या किया कि जितने भी मारवाड़ के रूलर्स हैं, मारवाड़ या मेवाड़ जो भी है, ठीक है, मारवाड़ रूलर्स पे इसने आक्रमण करना स्टार्ट किया, या फिर ही स्टार्टेड टू कॉन्कर द मेवाड़ किंगडम, मेवाड़ किंगडम एंड डिफीट द राठौड़ राजपूत ऑफ एरिया, ठीक है। इसके बाद महाप्रदेश पे अपना कब्जा जमा लेने के बाद औरंगजेब ने मेवाड़ पे हमला कर दिया, ठीक है, और मेवाड़ पर उस समय राठौड़ राजपूतों का राज्य था, ठीक है। तो राठौड़ राजपूतों के राज्य पे जब औरंगजेब ने हमला किया तो उस टाइम के जो राठौड़ राजा थे दे स्टार्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर में बेसिकली होता क्या है कि सेना चारों तरफ छुप जाती है और जब दूसरे इंग्लैंड की सेना उन पर आक्रमण करती है तो वो छुप के मार देते हैं, ठीक है। दे थ्रो द स्टोन्स एंड द पेबल्स एट द नेक्स्ट आर्मी, मतलब दूसरी आर्मी में वो पत्थरों और कंकड़ों से हमला कर देते हैं, ठीक है।
सो दुर्लभ और फेयर जो होती जो थी उसके उसके दम पे लाठौर राजपूतों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। विद्रोह का मतलब उन पे काउंटर अटैक कर दिया। ठीक है, काउंटर अटैक से क्या हुआ कि वो राठौर राजपूत थे, उन्होंने कई बार तो जीत हासिल कर ली औरंगजेब की सेना पे। ठीक है, बट उसके बाद जो मेवाड़ का किंगडम था या फिर राठौर राजपूतों की जो राज्य था उस पे औरंगजेब ने फिर से कब्जा करके उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। कैसे कर लिया, क्योंकि जो राठौर राजपूत थे उनमें से कई सारे औरंगजेब के फॉलोअर्स थे या उनके वफादार थे। ठीक है, तो औरंगजेब के वफादार होने के कारण ही he was successful to conquer Mewar kingdom and defeat the Rathore Rajputs of that area. ठीक है, राठौर राजपूत जो रूलर्स थे उन पे हमला किया और उनको हराने के पीछे एक ही कारण था, that some of the Rajput kings were his own इसके औरंगजेब की वफादार लोग थे। ठीक है, और वो उनके अंडर में काम करते थे। ठीक है, औरंगजेब के बाद कैंपेन करके जब मराठा चीफ शिवाजी वाज इनिशियली सक्सेसफुल। ठीक है, आफ्टर दिस द मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट मराठा चीफटेन, चीफटेन का मतलब क्या होता है, शिवाजी वॉज सक्सेसफुल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मिलिट्री कैंपेन्स फिर मराठा किंगडम्स पे लॉन्च किए गए। ठीक है, महाराष्ट्र के जितने भी मराठा राजा थे या मराठा रूलर्स थे उनके ऊपर औरंगजेब ने अपने मिलिट्री कैंपेन्स की शुरुआत कर दी। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन्स की शुरुआत का मतलब क्या होता है, बेसिकली उसने मराठा रूलर्स पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, मराठा रूलर्स पे आक्रमण करने का उसको फायदा क्या हुआ, मराठा रूलर्स पे आक्रमण करने का जो मेन फायदा ये हुआ कि ही वॉज ट्राइंग टू कॉन्कर द मराठा टेरिटरीज फ्रॉम वेरी इनिशियल डेज। मतलब कि वो बहुत दिनों से मराठा जो किंगडम है उस पर अपना राज्य चाहता था, बट वो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, लेकिन जब जो शिवाजी थे मुगलों की जो सेवाएं थी या मुगलों की जो रूल्स थे उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, यू कैन मेक योर ओन रूल्स इन माय कंट्री माय किंगडम बट आई विल बी द रूलर ऑफ दिस किंगडम। जब शिवाजी एक्सेप्टेड द मुगल रूल और द मुगल सर्विसेज इन दिस किंगडम देन इट वाज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ औरंगजेब। ठीक है, सो बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका कि मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट मराठा चीफटेन जो मराठाओं के सम्राट थे मराठाओं के राजा थे शिवाजी उनके खिलाफ जो मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया गया वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, आफ्टर दिस बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम मथुरा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स। ठीक है, सो जब शिवाजी महाराज गए औरंगजेब के पास कि यू आर नाउ अलाउड टू अलाउ योर रूल्स अलाउ योर सर्विसेज इन माय किंगडम देन औरंगजेब इंसल्टेड छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, सो व्हेन ही इंसल्टेड हिम औरंगजेब के किंगडम में इंसल्ट करके भगा दिया। ठीक है, और उन्हें बंदी बनाने की सोची औरंगजेब। ठीक है, बट शिवाजी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। ठीक है, वो आगरे की जो जेल में वो बंद थे उस जेल से वो फरार हो गए, भाग गए। ठीक है, भागने के बाद इन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया। ठीक है, ही स्टार्टेड टू कॉल हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंगडम मराठा एंपायर। ओके, मराठाओं के इंडिपेंडेंट राजा के रूप में इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया और उसके बाद मुगलों के खिलाफ अपनी जो लड़ाई थी उसको जारी रखा। ठीक है, सो ही एस्केप्ड
from Agra and declared himself as an independent king. Independent king of Marathas. Marathas के एक स्वतंत्र राजा के रूप में उन्होंने खुद को घोषित कर दिया या establish कर दिया, ठीक है? उन्होंने मराठा एम्पायर की स्थापना की, ठीक है? So he started the Maratha dynasty or the Maratha rule in India. Who started? Chhatrapati Shivaji Maharaj. Okay? So it was successful, but he escaped from Agra, declared himself as an independent king of Marathas and resumed his campaign against the Mughals. So after this, Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and Deccan Sultan. ठीक है, इसके बाद आफ्टर द मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट शिवाजी, आफ्टर हिम प्रिंस अकबर rebelled against Aurangzeb by help of Marathas and Rajputs of Deccan. ठीक है, दक्षिण के राजपूतों और मराठाओं की मदद से प्रिंस अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया. ठीक है, प्रिंस अकबर वाज़ द ओनर ऑफ डेक्कन सल्तनत, मतलब कि जो मराठा राजा या फिर राजपूत राजा थे डेक्कन के, उनमें से एक राज्य का प्रिंस अकबर किंग था. ठीक है, सो प्रिंस अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह युद्ध किया या फिर उनके खिलाफ उनपे आक्रमण किया. ठीक है, इसकी मदद से मराठा और दक्षिण के राजपूतों की मदद से आखिर में प्रिंस अकबर को ये मन कहां से आया? Why he started rebellion war against Aurangzeb? Because he was the owner or he was the well-wisher of Marathas and Rajput. That is why he led a rebellion war against Aurangzeb, which belonged to his own country and religion. Prince Akbar ki hi religion aur country se Aurangzeb belong karta tha. Then also isne Marathas aur Rajputon ka saath dekar uske upar akraman kar diya. Theek hai, akraman karne se basically Aurangzeb ko koi farak nahi pada, but he started rebellion war and after that other rulers also started rebellion. Matlab ki baki aur rajaon ne isko dekhte dekhte औरंगजेब के खिलाफ आक्रमण करना शुरू कर दिया. ठीक है, आफ्टर अकबर से पहले औरंगजेब सेंट आर्मी अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत, बीजापुर एंड गोलकोंडा वाज एनेक्स. ठीक है, आफ्टर द रिबेलियन ऑफ प्रिंस अकबर, ठीक है, प्रिंस अकबर के विद्रोह के बाद, प्रिंस अकबर के विद्रोह के बाद औरंगजेब भारत आए, बट ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द डेक्कन सल्तनत. ठीक है, डेक्कन सल्तनत जो दक्षिण के राज्य थे उन पे आक्रमण करने की औरंगजेब ने सोची. ठीक है, बट एज यू नो आफ्टर इक्तदारी सिस्टम दैट किंगडम्स वर वेरी पावरफुल. वो छोटे जरूर थे बट उनके पास बहुत पावर थी, दैट दे वर केपेबल ऑफ फाइटिंग विद औरंगजेब. ठीक है, औरंगजेब की बहुत सारी सेनाओं को पहले ही हरा चुके थे, बट देन ऑल्सो औरंगजेब सेंट आर्मी इन द आफ्टर प्रिंस अकबर्स रिबेलियन, आफ्टर प्रिंस अकबर्स रिबेलियन पहला क्या हुआ
कि औरंगजेब सेंट आर्मीज इन द डेक्कन, दक्षिण के सुल्तानों पर या दक्षिण के किंगडम्स पे औरंगजेब ने अपनी आर्मी को हमला करने के लिए भेज दिया। ठीक है, हमला करने के लिए भेजा तो डेक्कन की जो दो बेसिक दो मेन चैंपियंस माने जाते थे, बीजापुर और गोलकोंडा। ठीक है, बीजापुर एंड गोलकोंडा वाज द मेन सेंटर ऑफ द डेक्कन सल्तनत, दक्षिण राज्यों के ये दो बेसिक सेंटर्स माने जाते थे, बीजापुर और गोलकोंडा। ठीक है, इन दोनों पे अपने आर्मीज के थ्रू हमला करवा के औरंगजेब ने इन दोनों को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, इन 1685 बीजापुर मेड अंडर द कंट्रोल वाज मेड अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल सल्तनत। आफ्टर दिस इन 1687 गोलकोंडा वाज आल्सो एनेक्स्ड और कंट्रोल्ड बाय द मुगल आर्मीज। ठीक है, जो डेक्कन सल्तनत के मेन सेंटर्स हुआ करते थे बीजापुर या गोलकोंडा, इन दोनों पे औरंगजेब ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, अपना राज्य स्थापित करने का बेसिक मतलब यह है कि बीजापुर और गोलकोंडा दिल्ली सल्तनत के अंदर में या मुगल कंट्रोल में आ गया। ठीक है, आ जाने के बाद इन 1685 बीजापुर वाज कॉन्कर्ड, इन 1687 गोलकोंडा वाज कॉन्कर्ड। ठीक है, कॉन्कर्ड का मतलब इन पे अपना अधिकार कर लिया या इन दोनों राज्यों पे औरंगजेब का कंट्रोल हो गया, मुगल सल्तनत का कंट्रोल आ गया। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द आर्मी दैट वाज सेंट इनटू द डेक्कन टू एनेक्स द बीजापुर एंड गोलकोंडा किंगडम। ओके, इसके बाद फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन्स टू द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड ड्यूरिंग द वॉरफेयर। ठीक है, इन 1698, ठीक है, 1698 के पश्चात या उसके बाद औरंगजेब ने सारे मिलिट्री कैंपेन्स को अपने अंडर में कर लिया। अपने अंडर में करने का क्या मतलब है, पहले वो आर्मीज के ऊपर डिपेंडेंट होता था। ठीक है, कि दक्षिण में जितने भी राज्य हैं उनके हमला करने का दायित्व केवल आर्मीज था। ठीक है, केवल आर्मीज जाएंगी लड़ने या उन पे हमला करने। बट आफ्टर 1698 के बाद औरंगजेब ने सारे मिलिट्री कैंपेन्स को अपने डायरेक्ट अंडर में करना शुरू कर दिया, सारी आर्मीज को अपने अंडर में ट्रेन करना शुरू किया, एंड ही स्टार्टेड टू मैनेज द वॉरफेयर स्किल्स एंड वॉरफेयर जो स्ट्रेटजीज थी वो औरंगजेब बनाता था। ठीक है, हाउ टू कैप्चर द रूलर्स और द सल्तनत ऑफ डेक्कन। ठीक है, सो इन 1698 आफ्टर 1698 ऑल द मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ डेक्कन वाज मैनेज बाय औरंगजेब हिमसेल्फ, औरंगजेब ने खुद इसको मैनेज करना स्टार्ट किया। ठीक है, सो बेसिकली डेक्कन में मराठास का राज्य था 1698 के बाद। ठीक है, अगेंस्ट मराठास, ठीक है, मराठास के खिलाफ जो भी युद्ध होने वाले होते थे, ठीक है, यार भी किंगडम के जरा अपना होना होना होता था, तो 1698 के बाद ये सारे सारी चीजें औरंगजेब खुद मैनेज करता था। ठीक है, सो मराठास के उस समय के एक वॉरियर्स भी हुआ करते थे। ठीक है, वो एक नई स्ट्रेटजी से वॉर करते थे जिसका नाम था गुरिल्ला वॉरफेयर। अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर का क्या मतलब होता है, गुरिल्ला युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करके किसी भी सेना पे छुप कर आक्रमण करना। ठीक है, किसी भी सेना पे छुप कर पत्थरों और कंकड़ों के यूज से आक्रमण कर देना। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर से क्या होता था ना कि बड़ी बड़ी सेनाओं को भी बहुत ही इजीली हराया जा सकता था। ठीक है, कई बार क्या होता था, कोई सेना आती थी हमला करने के लिए, ठीक है, सो शिवाजी या कोई भी मराठा की जो सेना थी वो छुप जाती थी। ठीक है, फिर वो एक एरिया में अपना कंट्रोल बना के उसके किनारे किनारे छुप जाती थी। ठीक है, फिर जब उस एरिया में दूसरी सेना घुस जाती थी तो उनके ऊपर स्टोन्स और पेबल्स से आक्रमण कर दिया करते थे। ठीक है, स्टोन पेबल्स के साथ साथ वो वेपन्स का भी यूज किया करते थे। ठीक है, वेपन्स का यूज किसने किया करते थे, ताकि ये गुरिल्ला वॉरफेयर को अंजाम दे सके, गुरिल्ला स्ट्रेटजी के हिसाब से उनको हरा सके।
और by using this guerrilla warfare they were very successful in defeating very big big armies, बड़ी बड़ी सेनाओं को भी वो guerrilla warfare की तकनीक से हरा देते थे। ठीक है, guerrilla warfare में एक special trained जो सेना होती थी उसका use किया जाता था। ठीक, so understood about guerrilla warfare? So guerrilla warfare was a technique by which an army or a total army was attacked by hiding themselves inside an area. एक area में सेना छुप जाती थी, फिर वो दूसरी सेना पे अपने हथियारों से आक्रमण कर देती थी। कैसे? छुप के। So this technique was known as guerrilla warfare and this was started by the Marathas of Deccan. ठीक है, दक्षिण में मराठाओं ने इस वॉरियर स्किल का या इस स्ट्रेटेजी का निर्माण किया। क्यों? ताकि वो बड़ी बड़ी सेनाओं को बहुत ही आसानी से हरा सके। ठीक है, औरंगजेब आल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिक्स जाट्स एंड संधावीज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम्स एंड इन डेक्कन ऑफ द मराठास। ठीक है, सो मराठाओं की बात चल रही है तो मराठाओं ने गुरिल्ला वॉरफेयर के बाद भी, ठीक है, आफ्टर दिस औरंगजेब started to face rebellion war from north में औरंगजेब ने कई सारे विद्रोह युद्धों का सामना किया। ठीक है, 1698 में जब महाराणा मराठाओं ने इनके राजाजी के खिलाफ युद्ध छेड़ लिया था, उसके बाद कई सारे राजा भी औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ना स्टार्ट कर चुके। ठीक है, उन्होंने भी औरंगजेब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के जो राजा थे जैसे कि सिख रूलर्स, ठीक है, जाट्स एंड सतनामीज, ठीक है, सतनामी जाट और सिखों ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डेक्कन, ठीक है, सो मराठास स्टार्टेड टू रिबेल अगेंस्ट औरंगजेब फ्रॉम डेक्कन, दक्षिण से मराठा और नॉर्थ इंडिया से, ठीक है, सिख जाट सतनामी रूलर्स ने आक्रमण शुरू कर दिया। ठीक है, सो जो जाट रूलर्स थे दैट वर वेरी एम्बिशियस, मतलब कि जो जाट रूलर्स थे, जाट जाति के जो राजा थे, उन्होंने औरंगजेब पे बहुत कड़ा हमला किया। ठीक है, जाट और सतनामियों ने मिलकर के सॉरी औरंगजेब की बहुत बड़ी सेना का खात्मा कर दिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जाट रूलर्स थे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जाट सूरजमल, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट सूरजमल राजा सूरजमल जाट, सो ही स्टार्टेड द फर्स्ट रेबेलियन वॉर अगेंस्ट औरंगजेब इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, जाट रूलर में सबसे पहले सूरजमल जाट ने स्टार्ट किया था रेबेलियन वॉर। ठीक है, सो औरंगजेब ने अपने 1698 के बाद आफ्टर 1698 ही स्टार्टेड टू सी द रेबेलियन वॉर फ्रॉम ऑल ओवर द डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से हर राजा ने इनके खिलाफ रिबेलियन वॉर छेड़ दिया। ठीक है, सो रिबेलियन वॉर छेड़ने के बाद क्या सबसे पहले इसकी इनिशिएशन की थी मराठास ने, रिबेलियन वॉर की शुरुआत की थी मराठास ऑफ द डेक्कन। ठीक है, दक्षिण के मराठा रूलरों ने रिबेलियन वॉर या विद्रोह युद्ध का शुरुआत किया था। ठीक है, सो आफ्टर इट ही स्टार्टेड टू फेस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन rebellion war from the kingdoms of all directions, हर दिशा से किसी ने किसी राजा ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है,
after his death in 1707. So when we are talking about end of Aurangzeb's reign, okay, so end of his reign was starting of conflict between his sons due to succession. SCCCION. अगला राजा बनने के लिए औरंगजेब के जब राज्य का अंत हुआ तो उसके बेटों ने अगला राजा बनने के लिए अपने बीच में ही झगड़ा कर लिया या युद्ध छिड़ गया. ठीक है, औरंगजेब के बच्चों में they started conflicting for the next ruler. Everyone wanted to be the next ruler and just due to that the end of Aurangzeb was starting a conflict between his sons due to succession. Okay, so after it, the era of Aurangzeb, okay, the fourth or the fifth ruler, Babur, Humayun, Akbar, Shah Jahan, Jahangir. After that, he was the son of Shah Jahan. Okay, so Shah Jahan, the sixth ruler of Aurangzeb, and sixth ruler of Mughal Empire, Aurangzeb also ended in 1707. ठीक है, 1707 में आखिरी मुगल रूलर औरंगजेब का अंत हुआ. ठीक है, औरंगजेब के बाद जो मुगल रूलर बना, he was not considered as a मुगल रूलर, but he was considered as a ruler of Delhi. ठीक है, वो भी एक मुगल ही था, इसका नाम था बहादुर शाह जफर was the last मुगल रूलर of India. After Bahadur Shah Zafar, Mughal rule in India came to an end. Mughal ruler India se khatam ho gaye aur Bahadur Shah Zafar last ruler. Bahadur Shah Zafar was also a participant in revolt of 1857 against Britishers. Angrezon ke khilaf hue 1857 ke yuddh mein Bahadur Shah Zafar ne Raja Lakshmi Bai ka saath diya tha. He also rebelled against the British rule of India. British colonial rule जब इंडिया में शुरू हो रहा था 1857 में, यही शुरू नहीं हुआ था 1857 में जब revolt चालू हुआ था. The revolt was started by Mangal Pandey from Barrackpur. Okay, so he was also the part of that revolt and he also sent his army from Delhi Sultanate to fight with British army से लड़ने के लिए Bahadur Shah Zafar ने भी मुगलों की सेना भेजी थी. ठीक है, he was also a very good supporter of Rani Lakshmibai. She also rebelled against the British rule in 1857. So, going back to our topic, Bahadur Shah Zafar was the last ruler of Mughal Empire. अब मुगल dynasty. ठीक है, अब बात करते हैं कि मुगलों की, इसके बाद मुगलों की जो relations एक बाकी दूसरे राजाओं से वो कैसे. ठीक है, सो मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन क्या था, व्हाट वाज द रूल ऑफ सक्सेशन. मतलब कि मुगलों ने किस राजा बनाने के लिए कौन सी प्रथा का यूज किया था, कौन से रूल बनाए थे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी किंगडम की अगर हम इनका एग्जांपल लेते हैं तो हर किंगडम में एक रूल ये होता था कि दैट द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग विल बी द नेक्स्ट किंग. जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र है या बेटा है वो राजा के बाद अगला रूलर बनेगा. ठीक है, अगला रूलर क्यों बनेगा भाई, क्योंकि वो राजा का सबसे बड़ा लड़का है. ही हैज ऑल द क्वालिटीज दैट अ किंग शुड हैव. राजा के अंदर जो जो क्वालिटीज होना चाहिए वो सबसे बड़े बेटे को सिखाई जाती थी एंड द रेस्ट ऑफ हिज ब्रदर्स वर ट्रीटेड एज देयर सपोर्टर्स. ठीक है, जो राजा के अन्य बेटे हुआ करते थे वो राजा का राज्य करने में साथ दिया करते थे. बट इफ वी टॉक अबाउट द
rule of succession in the Mughal Empire, they followed the Timurid dynasty rule. ठीक है, वो अपने Timurid dynasty के rule को follow करते थे, and the name of that rule was Gopal Sengari succession. Gopal Sengari succession. ठीक है, Gopal Sengari succession में क्या होता है basically? कि एक राजा के अगर 5 बच्चे हैं, ठीक है, so the kingdom of the ruler has to be divided into 5 equivalent parts, so that each son gets the equivalent part of that kingdom. मतलब कि मुगल रूल में सक्सेशन का जो नियम चलता था वो था Gopal Sengari succession, ठीक है, और Gopal Sengari succession came from the Timurid dynasty. Timurid dynasty में यही रूल चलता था, ठीक है, कि राजा अपने हर बेटे को बराबर का राज्य देता था, ठीक है, अपने राज्य के जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से टुकड़े करके उन्हें बांट देता था, ठीक. सो बेसिकली इन Gopal Sengari succession, ईच सन ऑफ किंग हैज टू बी गिवन द इक्विवेलेंट पार्ट ऑफ किंगडम. अगर 5 बच्चे हैं तो उस राज्य के 5 बराबर हिस्से किए जाएंगे, ठीक है, और हर बच्चे को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए. बट दिस रूल वॉज ओनली फॉलोड बाई बाबर एंड हिज सन हुमायूं. हुमायूं और बाबर ने ही केवल इस रूल को फॉलो किया. आफ्टर देम दे स्टार्टेड टू रूल विद देयर ओन. मतलब कि जो बाकी के मुगल रूलर्स आए उन्होंने Gopal Sengari succession को फॉलो नहीं किया. दे स्टार्टेड टू फॉलो देयर ओन मेड रूल्स. वो अपने खुद से बनाए हुए नियमों को फॉलो करने लगे, ठीक है. जैसे कि अकबर वॉज married to a Rajput girl, ठीक है, so when he was married to a Rajput girl, his son became the king. So जो अकबर का हिंदू राजपूत राजकुमारी से जो बेटा था, he became the king, ठीक है. So अकबर son जहांगीर was the son of a Rajput princess of Kachwa. Kachwa was a Rajput kingdom and his mother was from that kingdom, okay. So, जहांगीर की जो माँ थी वो एक राजपूत राजकन्या थी, ठीक है. She was not belonged to any Mughal or Muslim family. She was a part of Hindu family. And due to her part of Mughal family, she followed Rajputana rule that the eldest son will be the king. So that is why जहांगीर became the king in Akbar's reign, following the Hindu rituals, ठीक है. But the rest of the Mughal rulers didn't follow this Gopal Sengari succession. It was only followed by Humayun and Babur. Humayun and Babur, they both divided the kingdom into equal parts as they had their children. तो अपने बच्चों के हिसाब से ही इन लोगों ने अपने राज्य के उतने टुकड़े कर दिए. So this was all about today's video. Hope you gained some knowledge from this video. If you have queries regarding this video, please put that queries in the comment section below. I will answer the queries in the next video. So, the next topic of this chapter, that is the relations with the Rajputs, Mughals, relations with the Rajputs, will be discussed in another video. So, thank you for watching.